बहरहाल आइए अब एक सम्मान हमें करना है और निश्चित रूप से वो सम्मान जो है बड़ा ही गरिमा में सम्मान है और इस ढंग से नहीं हमें करना है, लेकिन सर आज हमारे बीच में हैं तो हम एक आज सर एक औपचारिक अनौपचारिक हम बाद में कि उसकी हमने प्लानिंग अलग ढंग से कर रहा हूँ, एक शाम आप ही के नाम हम करने की सोच रहे हैं अगर आपकी अनुमति हो तो। लेकिन बहरहाल आज आप हमारे गेस्ट हैं सर और अतिथि जो है वो देवो भव कहा जाता है, मेहमान जो हमारा प्यारा हो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ये हमारी संस्कृति में कहा गया है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप ज़ोरदार तालियां बजाएं आदरणीय एम ए कादर साहब के लिए कि वो आएँ स्टेज पर, मध्य भारत की शान पार्श्व गायक एम ए कादर साहब जिनके स्टूडियो में आज हमें इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हमारे जो भी श्रोता हमें देख रहे हैं वो उनको हम बताना चाहेंगे कि एम ए कादर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिस किसी भी शहर में चले जाते हैं वो देश हो या विदेश हो वहाँ पर उनके चाहने वाले उनकी शहदाई निकल कर ही आते हैं और आज भी वो हमारे बीच हैं। निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की और बड़े ही फ़ख्र की बात है कि वो हमारे बीच हैं, हमारे वैसे संरक्षक भी हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें जैसे भी हो छोटे मोटे कार्यक्रम ही क्यों ना हो, लेकिन चूँकि हमें भी एक जीने का की राह हमें तलाशनी होती है तो हम इस छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से सर हम लोग अपना ये या कह सकते हैं भड़ास निकालते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और हमारे एफ बी लाइव कोऑर्डिनेटर वो आएँ और देवेंद्र यादव जी भी आएँ और हमारे सानिका मुंडरी साहब हैं, श्याम चिलाटे साहब, और एक सामूहिक फ़ोटो हो जाए हम सभी का। देशमुख साहब हैं, देशमुख साहब को बुलाइए, सभी सीनियर हमारे कलाकार हैं और हमारे सब फाउंडर कलाकार हैं। हाँ दीजिए, और सर एक आशीर्वाद के रूप में आपके चंद शब्द अगर हमें मिल जाएं तो निश्चित रूप से हम सभी कलाकारों का हौसला बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को देना चाहता हूं और उसके बाद हमारे यूं समझिए कि छोटे भाई हैं और हरफन मौला कलाकार हैं, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंगर भी है, कवि भी है, एंकर भी है और ये बहुत अच्छी बात है कि हर बार मेरे ख्याल से यहाँ हमेशा आप प्रोग्राम करते ही रहते हैं। यहाँ पर आपने पहले भी मुझे बुलाने की कोशिश की थी लेकिन वो मैं प्रोग्राम में बिजी था, नहीं आ सका था, तो आज मैं 26 जनवरी का बहुत अच्छा मौका मुझे लगा तो मैं आया। मुझे बहुत खुशी हुई सब लोगों को सुन कर के, बहुत अच्छा, बच्चियों ने भी बहुत अच्छा गाया, सभी लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसे मुझे कमी महसूस हुई तो मैं उनके लिए एक सजेशन ये देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा सभी लोगों ने अच्छा गाया है लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है, तो आप लोग खूब मेहनत करें, रियाज करें और इसके बाद जब भी प्रोग्राम रहेगा तो वो आप अपनी कमियां दूर करते रहेंगे, क्योंकि ये संगीत एक समंदर है और ये ऐसी चीज़ है कि बस करते रहना पड़ता है, संगीत साधना है, मैं भी कर ही रहा हूँ, आज मैं भी संगीत सीख रहा हूँ, समझ जाइए। तो ये मेरा एक मशवरा है, सजेशन है। मैं आज 3-4 फंक्शन में गया था, एक कवि सम्मेलन में भी गया था मैं आज, हमारे डॉक्टर सागर खादीवाला साहब ने एक ऑर्गेनाइज किया था, उसमें डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी और गिरीश व्यास जी सभी आए थे गेस्ट के तौर पर, मुझे भी बुलाया गया था। तो मैं आज एक अलग थोड़ा सा संगीत से हट करके लेकिन बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, प्रेम और मोहब्बत का देश है, जहाँ ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस सब एक साथ सारे त्यौहार हम लोग मिलकर के मनाते हैं और जब भी यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं उसकी मिसाल हमेशा इन्होंने पेश की है आनंद भाई ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता बहुत हमारे देश में बहुत ज़रूरी है आज के इस नाजुक दौर में, तो वरना हो क्या रहा है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान,
लेकिन आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि सबसे बड़ा जो मज़हब है वो है मज़हब इंसानियत। आज के इस नाजुक दौर में इंसानियत को ज़िंदा रखा है तो कवियों ने, शायरों ने और हमारे संगीत जगत के फनकारों ने, कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। तो यहाँ मज़हब की दीवारें कभी मंच पर आड़े नहीं आती हैं। तो मैं एक दो शेर पेश कर रहा हूँ कि अदब के मंच पर, अदब यानी साहित्य, संगीत साहित्य, तो उर्दू में अदब कहते हैं साहित्य को, तो साहित्य के मंच पर, संगीत के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, संगीत के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, कहने सर क्या कहने, क्या कहने, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, और ये शेर सुनिए, यहाँ ना कोई हिंदू है न मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ ना कोई हिंदू है न मुस्लिम सिख ईसाई, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। और ये दो शेर और समाप्त फरमाए, निराली शान है अपनी, अपने बोले तो हम सब की, निराली शान है अपनी, निराली शान रखते हैं, निराली शान है अपनी, निराली शान रखते हैं, मोहब्बत से भरा सीने में हम ईमान रखते हैं, मोहब्बत से भरा सीने में, ये आखिरी शेर सुनिएगा, न हम ईरान रखते हैं न पाकिस्तान रखते हैं, न हम ईरान रखते हैं न पाकिस्तान रखते हैं, खुदा ये जानता है, खुदा ये जानता है, खुदा ये जानता है दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, खुदा ये जानता है दिल में हिंदुस्तान रखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आनंद भाई बहुत अच्छा लगा, आप सब हम लोगों से मुलाकात हुई, सब कलाकारों को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और वैसे सर की एक खासियत है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात, कौमी यकजहती की बात करते हैं, और सर ने जो भी अशआर पेश किए निश्चित रूप से वो इस बात का प्रतीक थे, इस बात का संकेत थे कि यूं ही नहीं हमारे देश को मेरा भारत महान कहा जाता है, कि जहाँ सर के जैसे मतलब कलाकार बसते हैं जिनके दिल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति तो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। निश्चित रूप से आज उनके आगमन पर मैं चाहूँगा हम जितने भी लोग यहाँ खड़े होकर सर को अगर विदाई दे सके तो उनका सम्मान इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता कि हम ऐसे महान फनकार के लिए अपनी श्रद्धा और अपना समर्पण पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और हम सभी का आपने हम सभी के को गौरवान्वित किया, हमारे कार्यक्रम को कि आपके आने से शोभा बढ़ी, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। प्लीज़ आइए हम अपने गीत और संगीत के इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। सविता खड़गी जी को आमंत्रित करते हैं जो लेके पेश हो रही है एक एल्बम से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लता मंगेशकर साहिबा के बोल हैं, लता मंगेशकर साहिबा का अंदाज़ है, पंडित रविशंकर जी का संगीत है, मोहम्मद इकबाल साहब इसके गीतकार हैं, 1905 की पेशकश, और बस चंद गीत हमारे और रह गए हैं, आप लोग यूं ही बने रहें।